मम्मी की थोड़ी मदद कर देगा तो घिस नहीं जाएगा। दिख नहीं रहा सुबह से कितनी थक गई हो। ठीक है मेरी थकी हुई मम्मा, बताओ क्या हेल्प करना है। ये ले कपड़े सुखा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं इसी के हाथ में लगना था क्या? अरे ये क्या कर रहा है, फैला के सुखा। हाँ बिल्कुल, मुझे फैला के आराम करना बहुत पसंद है। क्यों मम्मा, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, कपड़ा जितना फैलेगा उतनी जल्दी सूखेगा। पर क्यों? अच्छा अब मुझे बता, ये पानी सूख के कहाँ जाता है? नहीं पता, शायद हवा में। हाँ हवा में जाता है। अच्छा अब बता कि इस कपड़े का कितना पार्ट हवा को टच कर रहा है? इतना सा ही ना? हाँ तो हाँ। अब मुझे बता कि इस कपड़े का कितना पार्ट हवा को टच कर रहा है? इतना सारा। हाँ सही है, तो हवा में वही पानी उड़ता है जो हवा के टच में होता है। तो अब बता ज्यादा पानी हवा के टच में कौन से कपड़े में है? इस कपड़े में या इस कपड़े में? फैले कपड़े में। तो बस इस कपड़े से ज्यादा पानी उड़ेगा और जल्दी सूखेगा। अच्छा अब मैं समझ गया, ये सॉक्स को भी मैं फैलाकर सुखाता हूँ। अरे नहीं, ये अंदर पंखे के नीचे सुखा। लेकिन क्यों मम्मा, इन्हें यही सूखने दो ना, फैलाकर सुखाऊंगा प्रॉमिस। अरे नहीं, शाम हो गई है, पंखे के नीचे जल्दी सूखेंगे इसलिए कह रही हूँ। कल सुबह पहन के जाना है ना तुझे? पंखे के नीचे जल्दी कैसे सूखेंगे मम्मा? क्योंकि जब कपड़े पर तेज हवा चलती है तो वो पानी को जल्दी जल्दी उड़ाती है। फिर हम सारे कपड़े पंखे के नीचे क्यों नहीं सुखा देते? अगर रात हो गई है और उन्हें जल्दी सुखाना है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें बाहर तेज धूप में ही सुखाना बेटर है। वाह, धूल के सूरज के नीचे सूखने का मजा ही कुछ और है। तो बच्चे हमें फैला के धूप में सुखाओ, और अगर धूप ना हो तो पंखे के नीचे सुखाओ, पर बिजली का बिल हमसे ना मांगना। तो अब जब हम पानी के सूखने से फैलने वाली ठंडक के कमाल को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए वापस प्लांट्स की तरफ चलते हैं और आगे दिखाई जाने वाली कॉन्सेप्ट फिल्म्स में ये समझते हैं कि किस तरह से इस पानी के सूखने का फायदा उठाकर प्लांट्स अपने आसपास ठंडक फैलाते हैं।